नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम जयेश मिश्र सिंह। आइए आज हम जानेंगे कि अमेरिकन व्हील कैथेटराइजेशन क्या होता है। नाभि रेखा एक कैथेटर है जिससे गर्भनाल की दो धमनियों या शरीरों में से एक में डाला जाता है। आमतौर पर यूसी यूवीसी अमेरिकन आर्टरी कैथेटर अम्बिलिकल वेन कैथेटर का उपयोग नवजात गहन देखभाल इकाइयों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये समय से पहले शिशुओं के केंद्रीय परिचरण तक त्वचा पर पहुंच प्रदान करता है। यूसी यूवीसी लाइन जन्म के समय लगाई जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक कर्मचारियों को तुरंत तरल पदार्थ एनोट्रॉपिक दवाएं और रक्त डालने की अनुमति देते हैं। इसका उपयोग कभी कभी टर्म या निकट अवधि के नवजात शिशुओं में किया जाता है जिनमें स्टैम्प अभी भी संचार प्रणाली से जुड़ा होता है। इस कैथेटर के माध्यम से दवाएं, तरल पदार्थ और रक्त दिया जा सकता है और ये रक्त गैसों की निगरानी और रक्त के नमूने निकालने की अनुमति देता है। ट्रांस अम्बिलिकल कैथेटर हस्तक्षेप भी हृदय तक पहुंच प्राप्त करने के लिए विधि है। उदाहरण के लिए पेटेंट डॉक्टर आर्टेरियोसिस को शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक करना। जटिलताएं, नाभि रेखाओं की जटिलताएं केंद्र वीनस कैथेटर के समान होती हैं। मुख्य रूप से नवजात सेप्सिस और थ्रोम्बोसिस जैसे संक्रमण, इन संक्रमणों का कारण बनने वाले सबसे आम जीव कोलैगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिसिस। नाभि धमनी कैथेटर, सादे फिल्म पर नाभि धमनी कैथेटर की स्थिति की पुष्टि की जाती है। नाभि से नाभि धमनी कैथेटर नीचे की ओर गोता लगाता है और सामान्य इल्यक धामनी और मध्यमी में ऊपर ओर मुड़ने से पहले दाएं या बाएं आंतरिक इल्यक धामनी से जुड़ जाता है। कैथेटर टिप की उच्च स्थिति या तो हाई और लो हो सकती है। उच्च सीमा को थोरेसिक वर्टिब्रा के समीक्ष आंका जाता है और प्रमुख मध्यमी शाखाओं से बचने के लिए T6 और T10 के बीच होती है। लोअर बॉर्डर लंबा वर्टिब्रा के समीक्ष है और L3 और L5 के बीच है। लोअर स्टेटस थ्रोम्बोसिस और वैसोस्पैम जैसी वेस्कुलर जटिलताओं की उच्च दर से जुड़ी हो सकती हैं। अम्बिलिकल वेन कैथेटर, अम्बिलिकल वेन कैथेटर की असामान्य स्थिति अक्सर होती है क्योंकि इसे आमतौर पर इमेजिनिंग गाइडेंस के बिना डाला जाता है और बाद के सादे फिन पर प्लेसमेंट के बाद पुष्टि की जाती है, जो पहले प्रयासों से लगभग 50% में होती है। नाभि पर अम्बिलिकल वेन से कैथेटर ऊपरी और दाहिनी ओर से मुड़ता है, बाएं पोर्टल वेन से जुड़ता है, पेटेंट डक्ट वेनस से गुजरते हुए इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम तक जाता है। उपयुक्त यूवीसी टिप की स्थिति निचले राइट एट्रियम के सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में होती है, आमतौर पर डायफ्राम के 1 सेंटीमीटर के भीतर। यदि यूवीसी टिप डक्ट वेनस से एडजेसेंट है तो इससे पोर्टल सिस्टम में इंट्रावेनस फ्लूड पदार्थों का प्रशासन हो सकता है जिससे संभावित पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, या TPN एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में TPN एब्सेस भी हो सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।